हेलो गाइस, माय नेम इज शादाब। मैं हूं अभी अलमीरा गोल्ड फार्म पे सलमान भाई के साथ। सलाम अलैकुम। वालेकुम अस्सलाम शादाब भाई, खैरियत? अल्लाह का शुक्र, आप ठीक हैं भाई? जी भाई, अल्लाह का शुक्र, दुआएं। अभी पिछली वीडियो में काफी सारे जानवर देखे जिसमें तोता परी भी थे, एग्जोटिक का भी अपन ने एक पूरा अलग पार्ट बनाया। जी, इस वीडियो के अंदर क्या दिखाने वाले? इस वीडियो के अंदर भाई मेरे जो इस साल के अभी बकरीद पर परचेज किए हुए बच्चे हैं, सब वो बच्चे हैं। कितने बकरे परचेज किए ये साल भाई? इस साल मैंने अभी तो छत पर जो है ये 20 से 25 है, मगर मैंने आपको बताया कि 50-60 मैंने ले रखे हैं, मगर वो एक महीने बाद लेकर आऊंगा क्योंकि बीमारी का माहौल है हर जगह। क्योंकि भाई मेरे अभी 2-3 दिन पहले 2 बकरे भाई मुझे काटने पड़ गए, वो इतने ज्यादा बीमार हो गए थे बीमारी की वजह से। जी जी, ठीक है। तो ये बकरों की परचेजिंग कहाँ से की? ये भाई मैंने जामा मस्जिद से की, मंडी से खरीदे। जी, मंडी से। ईद के टाइम पे? ईद के टाइम पर। तो सलमान भाई, क्या फर्क नजर आया आपको मंडी से लेने में और कहीं जंगल में जाके लेने से? भाई बहुत बड़ा फर्क है। मैं आपको एक बता देता हूँ कि जैसे जो बकरा 55,000 रुपए जिसके मैंने लगाए थे घर पर जंगल के अंदर वो भाई मुझे बकरा मंडी में आकर 40 का मिला। मतलब 15,000 रुपए का फर्क आ गया। जी भाई, बहुत बड़ा फर्क है। दूर भी जाना नहीं पड़ा। तो मंडी की खरीदारी आपको अच्छी लगी? जी जी जी। क्या है, व्यापारी वहाँ आकर टूट जाता है? जी, अब तो मुझे बेचना ही है, टाइम कम बचा है, तो इस वजह से हो सकता है। ये भाई मैंने जितने ही बच्चे खरीदे हैं, ये बकरीद मैं 2 दिन बाकी थे जब ही खरीदे मैं सारे। बकरीद के 2 दिन बाद? 2 दिन पहले। पहले खरीदे? जी जी। माशाल्लाह। उसके अंदर एवरेज बताना चाहोगे क्या क्या उम्र के बकरे होंगे ये? भाई इसमें अदंत है और 2 दांत है। अदंत, 2 दांत है भाई सारा सर बच्चे। देख के ऐसा लग रहा है जो भाई ये 1 4 दांत है, 1 6 दांत है, ये जोड़ी है। ठीक है, कौन सा है 4 दांत इसमें से? भाई ये है 4 दांत। ठीक है, और वो? ये भाई 6 दांत पर है। 6 दांत है। सबसे ज्यादा उम्र वाले यही बकरे हैं? जी जी जी। तो ये भी अभी ईद पे ही खरीदे हैं दोनों? जी भाई, ये मेरे एक भाई हैं अली मोहम्मद भाई। ये मैंने उनसे परचेज किए हैं। ठीक है, तो अभी पूरा साल पालोगे आप? जी भाई। अभी क्या वजन है बकरों का करंट? भाई इसके अंदर तो भाई वजन अप्रोक्स होगा 75। ओके, कितना जाना चाहिए एक साल में इसको? भाई इसको कम से कम भाई 130-140 के तक जाना चाहिए। मतलब 50-60 किलो कम से कम एवरेज आएगा इस बकरे के ऊपर। और ये बकरा उससे हाइट में थोड़ा बड़ा दिख रहा है। जी भाई, ये हाइट में ही बड़ा है भाई, वजन में भी है। कितनी होगी हाइट इसकी? भाई इसकी हाइट है आपकी 43 की हाइट है। 43 है। और 6 दांत है, तो हो सकता है हाइट भी थोड़ी बहुत बढ़ा ले। जी भाई, अभी हाइट 1-2 इंच की हाइट बढ़ेगी। जी ठीक है, बाकी कुछ ये छोटे बकरे, आइए एक ओवरव्यू देते हैं, सबको देख लेते हैं अपन। इसमें से सेल का तो सलमान भाई कुछ भी नहीं है। जी, सब आप पूरी साल रखोगे? जी, अपन एक शौक के पर्पज से जो है वीडियो बना रहे हैं। जी, ताकि पब्लिक भी शौक करे। एक ये बच्चा भी माशाल्लाह बहुत बढ़िया कलर पैटर्न में है। जी, क्या डिटेल का होगा ये भाई? ये अभी 2 दांत से कर रहा है। और भाई इसकी हाइट आपकी 38 है। अभी तोता परी में लोग ऐसा पंच ज्यादा मांगते हैं जितना इसके फेस पे आया है। जी भाई, जितना ज्यादा पंच फेस होगा कीमत उतनी ज्यादा हाई होगी बकरे की। जी भाई जी, ऐसा व्यापारियों ने बना रखा है माहौल। बिल्कुल, सबसे ज्यादा महंगा जो है फीमेल इसी की निकाल रहे हैं। इसी की निकाल रहे हैं वो। 35-40 हजार से तो स्टार्टिंग करते हैं जंगल के अंदर। जी जी बिल्कुल, बिल्कुल। मंडी में आती हैं फीमेल्स बिकने के लिए? भाई अच्छी फीमेल्स जो होती है ना, हाँ हाँ भाई, वो मंडी में लाते ही नहीं है। लाते ही नहीं है, वो सिर्फ जंगल में ही रखते हैं ब्रीडिंग के पर्पस से। और अभी किसानों ने मैंने देखा है कि तोता परी के अंदर ब्रीडिंग कराना बहुत कम कर दिया, माल इतना ज्यादा एक्सपोर्ट कर दिया इंडिया से बाहर कि यहाँ पर जो ओरिजिनल ब्रीड थी उसी की शॉर्टेज चल रही है। जी बिल्कुल बिल्कुल। आप तो पूरा जंगल घूमे हुए इसका अलवर। जी जी ठीक है। आइए सलमान भाई, तो टोटल कितने नग हैं ये अपने पास? ये भाई हैं अपने पास 25-30 नग। 25-30 नग हैं ये? जी माशाल्लाह। और सभी जो है पालने के हिसाब से बच्चे हैं? ये कुछ बकरे आपने अलग रखे हैं केज के अंदर? ये भाई अभी ये 2-3 दिन हुए हैं। तो क्वारंटाइन किया है? जी भाई। कितने दिन तक, कब तक रहेंगे ये? ये भाई अभी इसमें 2 हफ्ते और रहेंगे। ओके, तो ट्रीटमेंट वगैरह कुछ किया आने के बाद इसका? जी भाई, अपना इनका वैक्सीनेशन चालू है। वैक्सीनेशन कर दिया पूरा? जी जी। क्या क्या हो गया वैक्सीनेशन में? भाई इनके PPR वगैरह मैंने सब लगवा दिए। PPR, FMD, ये वो जी सब? जी जी। क्योंकि शायद थोड़ा सा फर्क रहता है दिनों का, जी जी भाई, बुखार वगैरह आ जाता है, लूज मोशन वगैरह हो जाते हैं। ठीक है भाई, बेहतरीन कलेक्शन है। अभी ईद से पहले तो ये पूरा टेरेस जो था आपका फुल था। जी भाई तकरीबन, भाई मैंने आपको बताया ना कि 50-60 ले रखे हैं, मगर वो 1 महीने बाद आएंगे। तो मतलब जितना पहले था उतना ये भी टेरेस पूरा फुल हो जाएगा वो आने के बाद? हो सकता है उससे ज्यादा हो जाए, क्योंकि उसमें भाई आपका पंजाबी भी है, मेवाती ज्यादा है और कोटा भी है। जी 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 ठीक है भाई,
ठीक है सलमान भाई, अभी माशाल्लाह एक ओवरव्यू ले लिया, सारे ही जानवरों को देख लिया, पब्लिक को शौक करा दिया। अभी दो तीन महीने बाद फिर विजिट करेंगे, तब तक वो नया स्टॉक जो है आपका वो आ जाएगा। बिल्कुल बिल्कुल। कौन कौन से जानवर और आने के हैं अभी अपने पास? भाई पंजाबी हैं, ठीक है, और मेवाती ज्यादा है, क्योंकि 60 में कम से कम 30-35 मेवाती है। वजह क्या, इतना ज्यादा क्यों पसंद करते हैं मेवाती भाई? वाली साहब को बहुत पसंद है। लोकल ब्रीड भी नहीं है दिल्ली के आसपास या सिकंदराबाद? जी 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 जी, ये तो अलवर की ब्रीड, अलवर की ब्रीड, लेकिन दिल्ली वाले हैं, सिकंदराबाद भी दिल्ली के पास में बहुत पसंद की जाती जी है। जी भाई, बहुत पसंद की जाती है ये। तो ठीक है सलमान भाई, इंशाल्लाह आप नेक्स्ट टाइम आएंगे तो देखते हैं और फार्म के ऊपर क्या कुछ नया होता है, पब्लिक को क्या देखने को मिलता है। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। ठीक है, वालेकुम सलाम।